हेलो प्यारे बच्चे, आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल आरसीसी क्लासेस में आपका एक बार विशेष स्वागत है। बच्चे, विशेष बात है कि बोर्ड फॉर्म आप लोग का भरा जा रहा है हाई स्कूल और इंटर का। 5 अगस्त तक इसका टाइम है। आप लोग आधार कार्ड, पैसा, फोटो, मार्कशीट लेके दौड़ते रहिए, और दौड़ते मत रहिए, दौड़ के स्कूल जाइए और जल्दी से अपना फॉर्म को फिलअप कर लीजिए, क्योंकि 5 अगस्त को ही का है, लास्ट है। और आज मैं सॉल्व कर जा रहा हूँ कि 4.1 कक्षा 10 के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा 2 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दिया हूँ, दूसरे का तीसरे क्वेश्चन में सॉल्व करूँगा। जैसे देखिए स्क्रीन पर जैसे दिखा दे रहा है, लिखा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, हमें रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात करनी। पहले प्यारे बच्चे इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसमें बता दिए थे मैं पिछले वीडियो में, इसमें 2 क्वेश्चन, पहला क्या है, एक आप समीकरण बना देंगे, एक उत्तर हो जाएगा, अब फिर उसको आप सॉल्व कर देंगे तो एक क्वेश्चन हो जाएगा। इस प्रकार आपको 2 क्वेश्चन लाना है, तब आपका एंसर कंप्लीट माना जाएगा। चलिए, कहा है रोहन की माँ उसके 26 वर्ष बड़ी है, यानी बड़ा कौन है, उसकी माँ बड़ी है और रोहन का है छोटा है, तो हम पहले छोटे वालों को मान लें। तो लिखिए माना, यहाँ भी दे रहे हैं माना रोहन की आय आय 100 वर्ष है, 100 वर्ष है। बताइए जब रोहन की आय 100 है, उसकी मम्मी 26 तो बड़ी है, तो माता क्या कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा माता की आय 100 प्लस कितना हो जाएगा 26। यहाँ तक तो आपको दिक्कत है नहीं, फिर का अब से मतलब पुनः 3 वर्ष पश्चात, तो कॉमन सेंस आप ये लगाइएगा जब पश्चात कहेगा मतलब प्लस होता है, अगर और अगर पश्चात कहे या बाद कहे तो उसमें जोड़ा जाता है, अगर पहले कहे या पूर्व कहे तो घटाया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, कहा अब से 3 वर्ष पश्चात, लीजिए अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात रोहन किया है, रोहन की आय कितना हो जाएगा, हो जाएगी 100 प्लस कितना हो जाएगा 3, तो माँ किया कितना हो जाएगा, तो माँ किया है माता किया है, माता की आय। देखिए बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, अब देखिए इसमें अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से जिसे एक रोहन की आय थी उसकी मम्मी का 26 बड़ी थी, 23 प्लस 26 हो गया, फिर करा आज के 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 वर्ष हम क्या कर लेंगे, इसमें 3 जोड़े, इसमें भी 3 जोड़ लीजिए, तो 100 प्लस का हो जाएगा 26 प्लस 3 जोड़ लीजिए, यानी कितना हो जाएगा 100 प्लस 29 हो जाएगा, हो जाएगा। अब फिर कहा था उनका गुणनफल, गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, तो इसी को कहते हैं हम प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार जैसे प्रश्न कहता है इसका मतलब यही हुआ, गुणनफल में क्या होता है गुणा, दोनों को गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा 100 प्लस 3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 100 प्लस 29 बराबर कितना, गुणनफल कितना दिया 360। प्यारे बच्चे इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा, अब इसे क्या करेंगे हम, इसका गुणा कर लें तो एक से में इसका गुणा कितना हो जाएगा 100, यहाँ गुणा करेंगे 3x हो जाएगा, और फिर इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 29x हो जाएगा, और 29 में 3 गुणा करें 3×9=27 हो गया, और 3×6=7 कितना हो गया 8, 360 सबको इधर उठा लीजिए तो 100² हो ही गया, और 29 और 3 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 32x हो गया, इधर 87 यही है, गुणा कर देखिए 3×9=27 के साथ 3×6=7=8 इधर लगेगा 360 माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 100² 32x। अब ठीक देखिए ये ज़्यादा है, क्या है कम है, तो ज़्यादा वाला का ये चीज लिखते हैं, देखिए इसमें घटा दीजिए रफ पर 360 में से 87 घटा दीजिए,
यहाँ 10 में से 7 जगह बचेगा 3, यहाँ बचेगा 5, 15 हो गया, 15 साढ़े कितना बचेगा 815, यहाँ बचा कितना 273। ये का हो गया, एक आंसर हो गया, क्या इस समीकरण बन के हमारा तैयार हो गया। अब इसी को हम सॉल्व करके रोहित और उसकी माँ की याद हम क्या करें, ज्ञात करें। अब इसी क्वेश्चन को आप गुणनखंड पढ़े होंगे, कक्षा 8 से ही पढ़े होंगे, उसको चलिए देखिए। ऐसा गुणा करिए, गुणा करने में 273 आ जाए, जुड़ने में कितना आ जाए 32 है, तो आपको गुणनखंड करने आता होगा। अगर नहीं आता तो मैं पीछे वीडियो भी ऐसी डाल रहा हूँ, देख लीजिएगा। देखिए इसको खंड करेंगे तो इसको इसमें गुणा करेंगे कितना होना चाहिए, -273 से स्क्वायर होना चाहिए। तो ऐसा गुणा करिए, गुणा करने में 273 से स्क्वायर है, जुड़ने में क्या है 32 है, तो वो खंड क्या हो जाएगा 39x-7x अपने 273 ग्राम कितना हो जाएगा। देखिए 39 में से 7 जगह प्रतिशत बचेगा ना, और अगर इसका गुणा करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा जो यहाँ बताए हैं। देखिए कैसे 7 ग्राम 63 को 3 और 7 3 21 22 23 24 25 26 27 27, इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो इसमें गुणा कितना 1 स्क्वायर हो गया, अब 12 से गुणा का होता है सोच लिया गया ना जो आपको बताया था, तो आपको कंफर्म हो गया होगा। अब यहाँ क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, इसमें देखिए क्या कॉमन है, कॉमन है प्रस्ताव होगा 39 या माइनस। देखिए देखिए यहाँ अकेला एक्स है ना, यहाँ हमको अकेला ही चाहिए, 7 है 7 इसको कॉमन लीजिए, अंदर चिंका हो जाएगा, बताइए क्यों माइनस कॉमन लेते हैं। अब यही चीज़ यहाँ पर होना चाहिए तब सही होगा, 7 भाग दीजिए यहाँ, 7 3 21 22 26 27 28 6 63 हो गया 7 9 63। एक खंड जब दोनों क्वेश्चन आ जाता है तभी कंप्लीट माना जाता है। देखिए एक्स प्लस 39 हो गया, यहाँ का एक्स माइनस 7 हो गया बराबर 0। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, जितना कहा जाए उतना ही कम है, क्योंकि हर साल पूछता है। एक आपको मैं कॉमन सेंस बताया था कि जब प्लस साल आता है तो उसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि एक्स प्लस 39 बराबर 0 रखेंगे तो इस बराबर -39 आएगा, जो कि वास्तविक रहता है, इसको हम छोड़ देते हैं, हल माइनस वाले को ले लेते हैं तो जाएगा एक्स माइनस 7 बराबर 0 एक्स बराबर के अंदर के साथ। ये किसकी आय माने थे आप, एक्स रोहन की, यह लिखेंगे अतः रोहन की आय कितना वर्तमान है, कितना है 7 वर्ष है। अगर उसकी माँ का पूछता तो हम क्या करें, एक समय 7 जोड़ लिए, एक समय क्या करते हम 26 जोड़ लेते हैं, क्या पूछा है उसमें रोहन की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए, तो अतः रोहन की वर्तमान आय लिख लीजिएगा, रोहन की वर्तमान आय, वर्तमान आयु कितना है 7 वर्ष है। ये क्वेश्चन का हो गया कंप्लीट हो गया, अब चल रहे हैं लास्ट। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग बुक में देख लीजिएगा, मैं अपने बुक से पढ़ दे रहा हूँ। लिखा है एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है, समान चाल से मतलब लगातार तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, ये बताइए कौन तेज चल रही है। ये रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी तय करना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 480 किमी है, 480 किमी की दूरी तय करना है, यदि उसकी चाल कितना है, यदि उसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो वह दूरी तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। तो जब धीमा चलेंगे तब ना 3 घंटा ज़्यादा लगेगा, यदि हम सामान्य चाल चलेंगे तो उतना ही लगेगा। तो पहले मान लीजिए, माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल, सामान्य चाल एक्स किमी प्रति घंटा है, हो जाएगा ना। तो देखिए पहले बात ये होता है कि सारे बच्चे जाते हैं जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, अपन क्या होता है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल होता है, चाल दूरी बराबर होता है चाल बुढ़े सब। देखिए ये कई क्वेश्चन है, अगर समय निकालेंगे चाल आ जाएगा, चाल निकालेंगे तो दूरी आ जाएगा आएगा। बात यहाँ आती है कि कैसे पता चलेगा कि हम कौन सा सूत्र लगाए, तो देखिए इसमें जिक्र किसका किया गया है, कम बेसी हो पा रहा है समय,
चाल कम बेसी कर रहे हैं तो हमारा समय कम बेसी हो रहा है, तो हम समय का सूत्र लगाएं। यही विशेष ध्यान रखती है कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यही होता है। तो समझ देखिए, तो हमें इसका कोई दिक्कत है नहीं, वो तो बाद में करेंगे, यही सूत्र लगाएंगे दूरी बटे चाल। और कहा यदि चाल 8 किमी प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो, यही कहा ना, यदि चाल 8 किमी प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो। अब देखिए ये तो हम बताएं खाली, जब चाल 8 किमी प्रति घंटा, किमी प्रति घंटा कम कर दिया जाए, कम कर दिया जाए तो चाल, तो क्या हो जाएगा, 1 - 60 हो जाएगा। अब क्वेश्चन हम कौन समझा रहे हैं, देखिए ये दूरी कितना 380 है ना, 480 है, तो 480 दूरी बटे चाल, चाल क्या है इसके लिए घंटा। अब इनका कहा है कि अगर हमें चाल 480 की भी दूरी, अगर चाल क्या 8 किमी पर घंटा कम कर दिया है, तो 1 - 8 किमी पर घंटा का क्या कम कर दिया जाए तो 3 घंटा अधिक लगता है। तो किधर देखिए, जब हम स्लो चलेंगे तो 3 घंटा अधिक लगेगा ना, जैसे मान लीजिए हमको स्कूल 10 बजे चौंपना है, तो जब हम स्लो चल रहे हैं तो 3 घंटा लेट चौंपेंगे, जब 3 घंटा लेट चौंपेंगे तो अगर इसमें 3 घंटा और दे देंगे तो हमारा 6 घंटा लेट हो जाएगा, यानी पहले कौन चौंपा, ये 3 घंटा लेट चौंप रहा है ना, ये 3 घंटा लेट जा रहा है, यानी इसकी चाल क्या कम है, तो या इधर जोड़ दीजिए या इधर घटा दीजिए, बात आपके बराबर ही होती है, चाहे इधर जोड़िए चाहे इधर घटा दीजिए। अगर मान लीजिए 3 घंटा ये स्लो चल रही है ना, मान लीजिए 3 घंटा लेट चले जा रहे हैं, तो अगर 10 बजे जाकर हम 3 घंटा इंतजार करेंगे तो वे कार नहीं चौंपेगा, तो 3 घंटा हमको इंतजार करना पड़ेगा, तो 3 घंटा हम इंतजार करेंगे, इसको 3 घंटा दे दें तभी बराबर होगा, ये 3 घंटा बाद जाएगा या 3 घंटा पहले जाएगा, इंतजार करेगा 3 घंटा, 3 घंटा इसको दे दें। अब इसी क्वेश्चन को साफ कर लीजिए, इसको इधर भेज दीजिए चाहे इधर भेज दीजिए, चलिए इधर भेज रहे हैं तो 480 बट के ना हो जाएगा 1 - 60, अब फिर इधर जाएगा 480 हो जाएगा, अब बटे का हो जाएगा 1 - 3। इसको चाहे आप या करके इसको इधर लिखिए, इसको इधर लिख दीजिए तो अच्छा लगेगा, चलिए इसको चाहे तो आप कामन ले सकते हैं, 480 कामन ले रहे हैं, 480 कामन ले रहे हैं, तो यहाँ बचा क्या 1 - 60 बचा, यहाँ हमारा पान 1 - 4, इसको लघुत्तम लीजिए 3 है, इसको चाहे काट भी सकते हैं, 3 × 3 और 3 × 6 3 × 3 हो गया, 1 + 3 = 18, यानी हो गया हमारा 160, इसको लघुत्तम, इसका बोला इधर कर दें 100 हो जाएगा, इसका बोला इधर करेंगे 1 - 8 है, लेकिन माइनस कर दीजिए क्या हो जाएगा बदल जाएगा, यहाँ का हो जाएगा पूरा कर देंगे आपस में 1 - 8 पूरे का हो जाएगा, 100 ये हो जाएगा ना, यहाँ वो नहीं है 1 + 5 = 60 ही है, इसका इससे क्या हो गया खलास हो गया, ये क्योंकि माइनस है क्या प्लस है, ये आप पूरा चीज छिपा सकते हैं, आप नीचे गया पूरा कर दें 1² - कितना हो गया 8x, अब 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमारा 1² हो गया 8x बराबर, इसका उल्टा कर दें 8 में 0 उल्टा करेंगे 0 हो जाएगा, और 8 × 6 कितना हो गया 48, समझ आ रहे हैं, और 8 × 8 = 8, 8 × 6 कितना हो गया 12। अब इसको या करके लिख सकते हैं 1² - 8x = 1280 = 0, एक क्वेश्चन कम्प्लीट हो, क्योंकि कहा था द्विघात समीकरण के रूप में रूपांतरित कीजिए, तो द्विघात समीकरण के रूप में हो गया, और इसी को हम कहा करें साफ कर दे दें तो हमारा कार्य करें रेलगाड़ी की समान चाल निकल जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन को साफ कर दे, चलिए अब इसको क्या करें गुणनखंड विधि से हम हल कर लें, तो देखिए यहाँ का हो गया x² हो गया, अपन का हो गया 8x, सही है, चलिए यहाँ तक समझाई दे रहे हैं, तो अब ऐसा पूरा करिए कि गुणा करने पर 1280x² आ जाए और जोड़ने पर कितना -8x आ जाए, तो कैसा होगा 40 - 32 कर देंगे तब भी आ जाएगा, 40 - 32 कर देंगे 40 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका -40x + 32x - 1280। देखिए अगर आपको खंड नहीं करने आता है तो आप पीछे वाले वीडियो को देख लीजिएगा कि आपको बहुत खंडित करके बहुत विस्तार से वीडियो बनाया गया है, अगर इसका पूरा करेंगे कितना आएगा और जोड़ेंगे तो -8 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि -40 में से -32 आएगा तो -8 ही बचेगा। अब देखिए यहाँ से हम x कॉमन ले रहे हैं, x - कितना बचा
चालीस यहाँ पे बत्तीस का देखिए साठ का तरीका है कि अगर यहाँ एक सौ पचास यहाँ पे बचना चाहिए तो जो बेसिक कॉमन ले लीजिए और फिर माइनस है अगर भाग देंगे तो इतना ही आएगा। देख लीजिए जीरो जीरो कट जाएगा, अस्सी है चार से भाग दीजिए तो हमें क्या लग रहा है ये बत्तीस है ना, बत्तीस से भाग दीजिएगा, ये बत्तीस से भाग देंगे तो बारह अस्सी है, जब बत्तीस से भाग देंगे तो इतना ही आएगा। परीक्षा में इतना समय मत दीजिएगा, जो यहाँ लिखा था बांट दीजिए आपका काम कर दिया जाएगा। एक समय देखिए चार से काट लीजिए, चार बटे बत्तीस, चार तिहाई बारह, चार दुनी आठ आ गया ना, देखिए आठ चौके चालीस आ जा रहा है तो इसे चालीस सात गुण क्या मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक क्वेश्चन के ना एक माइनस चालीस हो गया और दूसरे का एक प्लस बत्तीस आ गया, तो एक आपको हम एक प्लस बता रहे हैं कि प्लस वालों को हमेशा छोड़ दीजिए, कभी जरूरत नहीं होती है, माइनस वाला लेते हैं लिख देंगे एक माइनस चालीस बराबर जीरो, एक बराबर के ना आ जाएगा चालीस, ये क्या है किमी प्रति घंटा, यही का रेलगाड़ी की समान चाल है, अतः लिख सकते हैं अतः रेलगाड़ी की समान चाल, समान चाल कितना है चालीस किमी प्रति घंटा है। प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन का हो गया कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा और इसके अगले अध्याय को मैं अगले वीडियो में डाल देता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।